अरे सर, वो चिकन खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए थोड़ा शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे कैबिन में मेरी कुर्सी पर बैठकर तुम चिकन खा रहे हो? अरे वो क्या है ना सर, के अगर मैं बाहर खाता तो गोपी के साथ शेयर करना पड़ता ना। What nonsense! एक वेजिटेरियन के केबिन में बैठकर तुम चिकन खा रहे हो? मुर्गेबाज, सजा मिलेगी तुम्हें, जरूर मिलेगी। मुर्गा खा रहे थे ना, मुर्गा बनो। मुर्गा बनो। अरे सर ये क्या बात हुई सर, मतलब अगर मछली खा रहा होता तो आप कहते कि मछली बनो। सस्पेंड कर दो, सस्पेंड कर दो, गिव माय फोन। नहीं 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 सस्पेंड नहीं सर, मैं मुर्गा मुर्गा बनता हूँ सर। कट, थोड़ा और नीचे, और नीचे, शाबाश, उठो मुर्गा बनो। हाँ सर, टर्न वेजिटेरियन, टर्न वेजिटेरियन। ईस्ट और वेस्ट, वेजिटेबल इज द बेस्ट। बोलो मेरे साथ, ईस्ट और वेस्ट, वेजिटेबल इज द बेस्ट। गुड। और ये सब साफ करवाओ, चिकन की बदबू आ रही है। यार गुलगुले, जब देखो ना सर जी तुम्हारी बेटी का स्कूटर स्टार्ट कर देते हैं, मुझसे नहीं देखा जाता, तू मेरा दोस्त है यार। ओ, ओ, ओ बस गोपी, रोने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऊपर वाला है ना, वो देख रहा है, वो इंसाफ करेगा। वेजिटेबल खाया करो, वेजिटेबल। हाँ गलती किया है, बहुत बड़ा गलती किया है तुम चंद्रमुखी चौटाला, हमको पकड़ के बहुत बड़ा गलती किया है, पछताएगा तुम। आहा, अबे पछताएगा तो तू, क्योंकि तू चंद्रमुखी की हिरासत में आ गया बे। अरे मैडम, ये आप किसे ले आई? ये तो मशहूर इंटरनेशनल टेररिस्ट जोगैम्बो है। मम्मी जी, ये तो बहुत खतरनाक है जी। अबे कितना भी खतरनाक हो, जो हमारे देश पर बुरी नजर डालेगा ना, उसकी मैं आंखें निकाल लूंगी। अरे गलती करता है तुम चंद्रमुखी, हाँ बता देता है हम, तुम हमारा साथ मिल जाओ, करोड़ों में खेलेगा तुम, करोड़ों में। अरे क्या रखा है इस पुलिस का वर्दी में, और क्या रखा है पुलिस स्टेशन में? हाँ अबे एक दिन मैं तन्ने बताऊंगी कि के रखा है इस पुलिस की नौकरी में और इस खाकी वर्दी में। Oh, no, oh, no. जिस दिन तू इस वर्दी को सलूट करेगा ना, उस दिन तू समझ जाएगा चंद्रमुखी चौटाला किसका नाम है। अरे चंद्रमुखी तुम है क्या रे? अरे तुम्हारा औकात क्या है? हाँ हम पूरा हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, और इस देश में हमारा राज होगा जोगेम्बू का राज, और तिरंगा का जगह हमारा झंडा लहराएगा जोगेम्बू का झंडा। चंद्रमुखी, इस थप्पड़ का गूंज सुनाई देगा तुमको, गूंज सुनाई देगा। गूंज तो बाद में सुनाई देगा, अपना मुंह जो है ना बंद कर ले, वरना गोलियों से थारा बेजा भूंज दूंगी मैं। थारे लिए एक स्पेशल जेल तैयार करिए। आ साले। अरे सुनो, दुनिया का कोई भी जेल का दीवार इतना मजबूत नहीं बना है कि हमको एक दिन से ज्यादा रख सके, किंतु चंद्रमुखी जिस दिन हम ये दीवार तोड़ के भागेगा ना, उस दिन तुम बहुत पछताएगा। चल ओ बपिदा, चल एक्टिंग मत कर। सुनो, अरे यार गुलगुले, ये जगम्बो मम्मी जी पे भारी तो नहीं पड़ेगा? ये मैडम पर भारी पड़े ना पड़े, लेकिन एक आदमी है जिस पर ये बहुत भारी पड़ेगा। किस पे? सर पे। मुझसे पंगा ले रहे थे ना, अब तू देख मैं क्या करता हूं। What nonsense is this? लगता है तेरे पेट की गैस तेरे दिमाग में घुस गई है, पागल हो गया क्या?
हंस क्यों रहा तो? सर बात ही कुछ ऐसी है सर। कैसी है? मैडम ने मजाक ही ऐसा किया है कि हंसी रुक ही नहीं रही। मजाक? कैसा मजाक? आपको क्या बताऊं सर, लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा सर, क्योंकि मैडम ने मजाक आपका ही उड़ाया है सर। और क्या उड़ाया है सर, क्या उड़ाया है? एरोप्लेन की तरह उड़ाया है सर मजाक। क्या बकवास कर रहे हो तब? बकवास नहीं कर रहा हूं सर। सर अगर आप मेरी बात माने, मेरी सलाह माने, तो मैडम का इरादा अपने दिमाग से निकाल दीजिए सर। क्योंकि सर अगर मैडम आग का गोला है तो आप बर्फ का गोला है सर। अगर मैडम गरम गरम पुलाव है तो आप ठंडी दाल हैं सर। देखो ये दाल चावल पापड़ ये सब छोड़ो और बताओ उन्होंने कहा क्या है। सर वो मैं आपको जरा बाद में बताऊंगा सर, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। वो क्या है कि मेरी वाइफ अब तो बता दो उन्होंने क्या कहा है। हाँ जरूर सर। मैडम कल कह रही थी, माफी चाहूंगा सर, वो मैडम कह रही थी, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैडम कल कह रही थी कि आप एक नंबर के चूहे टाइप के आदमी है। मैडम ने कहा है सर, उन्होंने ये भी कहा कि आप एक नंबर के डरपोक टाइप के आदमी है सर, क्योंकि मैडम ने कभी आपको किसी क्रिमिनल को एक थप्पड़ तक मारते हुए नहीं देखा है। और मैडम ये तक कह रही थी कि आप तो वो बटर हैं जो किसी क्रिमिनल की ब्रेड पर लग ही नहीं सकते सर। मैडम का ये कहना था कि आपको यूनिफॉर्म में देखती हैं, आप पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद आप एक क्रिमिनल को थप्पड़ तक नहीं मार सकते, मतलब ये कैसा आदमी है? मतलब नहीं नहीं गुलगुले ऐसा नहीं है, मैं मार सकता हूँ। तो मारिए ना सर। सर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मारिए ना सर। मैडम को दिखा दीजिए कि आप वो पराठा है जिसके अंदर बहादुरी का आलू भर भर के भरा हुआ है सर, कि आप वो सिंघाड़ा है जिसे वीरता की पुदीने की चटनी के साथ खाया जा सकता है सर। मैडम को दिखा दीजिए सर, दिखा दीजिए, बताइए सर, बताइए आप वो आलू पराठा है या नहीं है सर। हाँ, मैं आलू पराठा हूँ। आप वो सिंघाड़ा है या नहीं सर, जिसे वीरता की पुदीने की चटनी के साथ खाया जा सकता है सर। हाँ, मैं सिंघाड़ा हूँ। ये हुई ना बात सर। अब ये सिंघाड़ा खुल के चिंगाड़ा होगा। कैसे चिंगाड़ा? कैसे? अरे मैं मारूंगा किसको? सर बिना मांगे आपने मुझे 1000 रुपए दिए हैं सर, इसलिए बिना मांगे इसके लिए भी मैं आपको एडवाइस दूंगा सर। अच्छा सर, चौकी में एक जेब कतरा आया हुआ है जिसे मैडम ने अरेस्ट किया है और लॉकअप में बंद है सर वो। सर आप उसके पास जाइए, वो कुछ अजीब से कपड़े पहनता है सर, उस पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन आप उसके पास जाइए और उससे मारिए सर, सूतिए उसे सर, लेटा लेटा के लतेड़ लतेड़ कर सूतिए उसे। और वो सर बीच में कुछ बेकार की बातें भी करे, वो बहुत फेंकता है सर, तो वो शायद आपसे ये कहेगा कि मैं इंटरनेशनल टेररिस्ट हूँ, मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल हूँ, लेकिन उसकी बातें मत सुनिएगा सर। आप उसे धोइएगा सर, धोइएगा, फिर मैडम आपसे इंप्रेस होगी ही होगी सर, और उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा कि आप चूहा नहीं हूँ, कि आप मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ। लतेड़ लतेड़ के सूट के आता उसको, क्या कहता है वो, इंटरनेशनल टेरर ऐसा कहता है सर, पागल है अभी आया मैं, ब्लडी हेल। धोइए सर, धोइए। I'm the king. क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसी पिटाई की है मैंने इसकी, ऐसी पिटाई की है कि आज के बाद ये कभी किसी की जेब नहीं काटेगा। सर यो जेब ना काटता है, गला काटा कर रहा है यो। क्या
सर यो इंटरनेशनल टेररिस्ट जो गैम बॉस है। ऐसा है, डोंट मिस विद हिम, लिसन टू मी। ऐसा जो है, रात को आपने और गोपी गुलगुले ने चौकी में यहाँ नाइट ड्यूटी देनी है, कमिश्नर साहब का हाथ डरा है, इतना ही बताने आई थी मैं। और आप यू? मैं शहर के बाहर जा रही हूँ सर, स्पेशल ड्यूटी पे। व्हाट? डर आया सर कमिश्नर साहब का, क्या करूँ, मना कर दूंगी? नहीं जी, राज आर्यन जी को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ हर चीज में। तो पुंगी बाजाबो आमी। अरे सर, बाहर किसी ने मेरी जेब काट ली सर। एए, रूक। यस। आराम से, आराम से, आराम से। शाला। यार गुलगुले, यार पराठे बॉल खा लिए यार। देख गोपी, जोगैम्बो जैसा बड़ा टेररिस्ट हमारी जेल में है, तो इसलिए हमें जागते रहना होगा। ओ बाबूजी। सर सुनिए तो। जी, मेरा नाम शाकला का हुबा हुबा है। एक मिनट जरा, टॉक टू द इंचार्ज। तुम इतनी रात गए यहाँ पे कर क्या रही हो? ओ बाबूजी, मेरा तो काम ही है, जो रातों को जागते हैं मैं उन लोगों का मनोरंजन करती हूँ। मनोरंजन मतलब? अभी समझाती हूँ। अति सुंदर, अति सुंदर। और यही पूछ का क्या बोला रहा है कि दुनिया का कोई भी जेल का दीवार इतना मजबूत नहीं है कि हमको एक दिन से ज्यादा अड़ाक सके। ये देखो, दीवार टूट गया, हम आजाद हो गया। एक जेल है। Yes! सर, जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। I'm the king! राज आर्यन का जेल, समझा गया? कितनी गोली खाएगा बोल? बोल! अरे सर, क्या कर रहे हैं सर आप? ये लंगे लोग, ये लोग कौन है? एखन तू ही बोल। है? ए, तुम हमारा भीतर में बहुत हालत खराब किया। एखन देख हम तुम्हारा चिंगड़ी फिश कैसे बनाता है। ए हुबा हुबा, तुम थोड़ा कूदा कूदा और तुम पकड़ो। गोपी, क्या हो गया? गोपी जी, हमें बहुत मारा जी, उस चकम्बो के आदमियों ने हमें बहुत मारा जी। गोपी तू गुलगुले? गुलगुले, गुलगुले। मैडम, उसने हमें लपेट के लेटा के पीटा मैडम। उसने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी मैडम, सर बाहर आइए। कुत्ते सर, पांव बाहर निकालिए सर। कुत्ते अरे सर, क्या कह रहे हैं, खुल के बोलिए। हेलो हेलो, नहीं रे, हिलो हिलो, क्यों रे चंद्रमुखी, हिल गया ना तुम? हाय हाय।
क्या बोला रहा हम तुमको? थप्पड़ का गूंज तुमको सुनाई देगा। अरे तुमको सुनाई क्या, अभी तो तुमको दिखाई भी देता होगा। अरे तुम्हारा सब सिपाही लोग जमीन में कीड़ा मकोड़ा का तड़ा रेंग रहा है रे। कीड़े की तरह तो तू रेंगेगा जोगैम्बो। हमारे साथियों के साथ यो सब करके तैने अपनी मौत को दावत दी है। एक बार सामने आकर दिखा, अपनी माँ का दूध पिया अगर तो। अरे हम तो उधर आया भी रहा और गुल भी हो गया है रे। एखन तोड़ पाला तुम्हारा बारी है। अगर तुमको तुम्हारा आदमी लोग का बदला लेना है ना हमसे, तो इधर हमारा डेन में आके करो जो करना है। आई इनवाइट यू। जोगैम्बो उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे। ईब तन्ने मैं बताऊंगी कि चंद्रमुखी चौटाला किस आग का नाम है। इंतजार कर अपनी तबाही का। आ रहा है रे, आ रहा है जोशन मराओ।